भारत का बासमती चावल का निर्यात 2021 में एक साल पहले के मुकाबले 20% घट गया है। 2021 में ये 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसकी वजह से ये है कि भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदार ईरान ने अपना रुपए रिजर्व घटाने के बाद खरीद घटा दी है। क्रूड में लगातार गिरावट का दौर जारी है। ब्रेंट का भाव $91 पर बरकरार है। 5 दिनों में 2% से ज्यादा ब्रेंट गिरा है। WTI इस हफ्ते करीब 2.75% गिरा है। MCX पर इस हफ्ते करीब कच्चा तेल 2% गिरा है। गुंटूर लाइन में लाल मिर्च की फसल में वायरस लग जाने तथा निर्यातकों की चौतरफा लिवाली से सरपट तेजी का रुख बना हुआ है तथा अभी 20 से 30 रुपए किलो की और तेजी के आसार बन गए हैं। ऊंझा में जीरे की करीब 10 से 11,000 बोरियों की आवक होने तथा 50 से 60 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की तेजी आने की रिपोर्ट मिली है। यहां बढ़ी हुई कीमत पर स्टॉकिस्टों की लिवाली सुस्त पड़ने से जीरा सामान्य 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के पूर्व बंद स्तर पर ही स्थिर बना हुआ है। बढ़ी हुई कीमत पर लिवाली सुस्त ही बनी होने से यहाँ मेथी दाना सामान्य 8,600 रुपए प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर ही जमा रहा। हाल ही में इसमें 100 रुपए की तेजी आई थी। हल्के तेलों की मांग बढ़ने और शिकागो एक्सचेंज में तेजी रहने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बिनौला सोयाबीन और पामोलियन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया है। वहीं मांग घटने से सरसों तेल की कीमतें घट गई हैं। BMD में क्रूड पाम ऑयल के दाम चढ़े हैं। सप्लाई में कमी के कारण कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। डॉलर में मजबूती से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। नीलामियों में अभी भी छोटी इलायची की आवक रुक रुक कर बढ़ रही है। हालांकि आवक बढ़ने के बाद भी इसमें मंदी की रफ्तार में कमी आई है। इससे ये संकेत मिलता है कि तीसरी पिकिंग के माल अब काफी कम बचे हुए हैं। खाद तेल और तिलहनों की कीमत पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से इन जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें।